नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल चूल्हा में आप सभी का स्वागत है। अच्छा, तो चलिए आज हम 5 मिनट में बनने वाली चिवड़ा का स्नैक बनाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चिवड़ा का स्नैक बनाने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ने वाली है, चलिए देख लेते हैं। चिवड़ा, हल्दी पाउडर, खड़ा लाल मिर्च, नमक, कढ़ी पत्ता, मूँगफली का दाना, लंबे स्लाइस में कटा हुआ सूखा नारियल, चना दाल, काजू और रिफाइंड तेल। तो चलिए अब हम स्नैक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन कर लेते हैं। अब हम इसमें 4 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और तेल को अब हम गर्म होने देंगे। अब हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, चलिए अब हम इसमें खड़ा लाल मिर्च डालेंगे। खड़ा लाल मिर्च के बाद अब हम मीठा पत्ता डालेंगे। मीठा पत्ते के बाद 2 छोटा चम्मच चना दाल डालेंगे। ऐसे चलाते हुए चना दाल को हमने थोड़ी टाइम के लिए भून लिया है और अच्छे से यह भून चुका है। चलिए अब हम इसमें मूंगफली दाना डालेंगे। मूंगफली दाना को भी थोड़ा टाइम के लिए इसी तरीके से लगातार चलाते हुए भून लेंगे। अब आप देख सकते हैं मूंगफली का दाना भी अच्छे तरीके से फूटना चालू हो गया है। हमारा मूंगफली दाना भी भून चुका है। चलिए अब हम बाकी सामग्री डालते हैं। काजू, सूखा नारियल। अब यहाँ पे हम गैस को बिल्कुल लो कर लेंगे। ऐसी तरीके से चलाते हुए इन सभी चीज़ों को भून लेंगे। अगर आप ड्राई फ्रूट नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। अब हमने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से चलाते हुए भून लिया है। चलिए अब हम बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालने के बाद हम इन सभी चीज़ों को एक बार फिर से चलाएंगे। अब हम इसमें सूखा चिवड़ा डाल लेंगे। एक बार फिर से लगातार चलाते हुए अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब हम इसमें टेस्ट के अनुसार से नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद एक बार फिर से अच्छे तरीके से मिलाते हुए थोड़ी देर के लिए चला लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम कर लेंगे और इसी तरीके से चलाते हुए हम इसे अच्छे से पका लेंगे। आप इस चिवड़ा को जब कभी भी अपने फैमिली के साथ मूवी देखना चाहते हैं या फिर अचानक कोई मेहमान आ जाते हैं तो आप इस चिवड़ा को फटाफट तरीके से बना के सर्व कर सकते हैं। और आप इस चिवड़ा को लंबे समय के लिए एयर टाइट कंटेनर में रख के स्टोर कर सकते। मीडियम फ्लेम में इसी तरीके से चलाते हुए 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। अब इस बात का विशेष ध्यान दें कि चिवड़ा डालने के बाद हम इस स्नैक को बिल्कुल लो फ्लेम में ही भूनेंगे ताकि हमारा स्नैक है वो क्रिस्पी बने। हाई फ्लेम में भूनने से हमारा चिवड़ा जल भी सकता है और क्रिस्पी भी नहीं बन पाएगा। और हमारा स्नैक है पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। चलिए अब हम गैस बंद कर लेते हैं। अब हमने चिवड़ा स्नैक को बहुत ही कम समय में बना के रेडी कर लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।